रामपुर उपचुनाव में आजम खान का वीडियो वायरल। जन्म लेने वाले बच्चे को लेकर दिया विवादित बयान। माँ से बच्चा पूछता है, आजम से पूछो बाहर आऊं या नहीं। अपने विवादित बयान और हेट स्पीच को लेकर अपनी विधायकी गंवा चुके आजम खान एक बार फिर अपने अटपटे बयान को लेकर चर्चा में। आजम ने यह बयान अपने करीबी प्रत्याशी आजम रजा के लिए वोट मांगते वक्त दिया है। आजम खान के मंच से दिए इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वीडियो में जिस अंदाज में वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि आजम खान एक बार फिर चर्चा में आने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। दरअसल वो अपने वीडियो में जेल के दिनों और सरकार की कार्रवाई को बयां कर रहे हैं, लेकिन जिन शब्दों और संदर्भों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल वो कह रहे हैं कि जो इस सरकार ने हमारे साथ किया, जैसा हमारे साथ हुआ, ऐसा अगर हम चार बार की अपनी सरकारों में रहकर हम ऐसा करते तो बच्चा पैदा होने से पहले माँ से पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना है या नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपना दर्द बयां करते हुए खुद ये विवादित बयान दिया है। आजम ने बयान रामपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के दौरान एक जनसभा में दिया। हालांकि इस जनसभा के दौरान और जब वो बयान दे रहे थे तो वहां पर तालियां गूंज रही थी। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वो लोग जो आज दावा कर रहे हैं कि 35 बरस बाद हमने छोड़ा है, क्या मैं छोड़ देने के काबिल छोड़ देता हूं? जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, चार सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। शकलती भी है, मैं मुजरिम हूं, शकलती हुई है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए मतदान से पहले नेताओं की बयानबाजी काफी चर्चा में है। आजम खान ने कहा कि मैं मेरी औलाद अपनी बेगुनाही अदालत के सामने साबित नहीं कर सकती, अस्पताल के सर्टिफिकेट साबित नहीं कर सकते, नगर निगम का भी साबित नहीं कर सकते, सजा के दरवाजे पर खड़े हैं, जेल भी हमारा इंतजार कर रही है और जानते हो क्या सुलूक हमारे साथ हुए थे? शायद कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा न करे जो हमारे साथ हुए थे, जो किसानों के साथ बिजनौर में हुए थे, कब तक सहोगे? आज सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है कि आजम खान का दाहिना हाथ काट कर गिर गया है। ठेकेदार चले गए, मालदार लोग चले गए, लेकिन वफादार लोग रह गए। ऐसे लोग कल भी नहीं चाहिए थे और आज भी नहीं चाहिए। ये बयान उन्होंने अपने मीडिया प्रभारी को लेकर कहा है, जो कुछ ही दिनों पहले बीजेपी में जाकर शामिल हो गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।